अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और आप यकीन नहीं मानोगे इतनी अच्छी और बड़ी मिसाल कतर ने पेश की है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले कतर के किंग तमीम बिन हमद ने बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए और क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो इस्लाम को फैलाने के लिए स्टेडियम की दीवारों पर अल्लाह के नबी की हदीस लिखवा दी और खुशबू लगाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो पूरे स्टेडियम में फ्री में इत्र बांटे और सर ढकना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो यह सुन्नत भी इन्होंने जिंदा की और स्टेडियम के स्पीकर के लिए डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाया और माशाल्लाह सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की तिलावत के साथ शुरुआत की और कतर के किंग ने पूरे 2000 उलमा को बुलाया जो लोगों को दीन की दावत दे सकें और काफिरों के सवालों का जवाब दे सकें और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसका असर भी हुआ और अभी की खबर है कि कतर में 850 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह।